मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन सेक्टर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बेसिकली क्या है? सपोज करो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है सिर्फ इतने रीजन में, बस ना इधर है ना उधर है, इनफाइनाइट नहीं है, बस इतने रीजन में ही है। तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। मैं डायग्राम बनाऊंगा, आप उसके बाद बनाना, पहले समझ लो सिर्फ, ठीक है। तो ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और बोर्ड के अंदर है, ठीक। इमेजिन करो एक चार्ज पार्टिकल एंटर कर, इसमें एंटर करता है विद अ वेलोसिटी ऑफ वी वेक्टर, बिल्कुल स्ट्रेट एंट्री है इसकी, ठीक है। जैसे ये स्ट्रेट एंटर करता है, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, तो इसके पाथ को क्या कर देगा? चेंज। बोलो क्या करेगा, कैसे मूव करेगा चार्ज पार्टिकल इसमें? इन सर्कल, क्योंकि 90 डिग्री पे वेलोसिटी वी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर इधर है और 90 डिग्री है, तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और ये सर्कल में घूमने की कोशिश करेगा। कैसे? कुछ ऐसे, ये गया सर्कल, अभी घूम ही रहा था, फील्ड खत्म हो गया। अब फील्ड खत्म हो गया, अब ये कुछ कर नहीं सकता, तो ये क्या करेगा? ये बाहर निकल आएगा बिल्कुल स्ट्रेट, टेंजेंशियली घूमना बंद कर देगा, क्योंकि कुछ सेगमेंट ऑफ, कुछ सेक्टर के मैग्नेटिक फील्ड ने इसको घुमा दिया, उसके बाद फील्ड खत्म हो गया, जगह थी नहीं घूमने की, तो ये बाहर निकल आया। क्लियर है यहां तक? तो ये सर्कल में घूमा कब तक? जब तक इसके रीजन में मैग्नेटिक फील्ड था तब तक, उसके बाद खत्म हो गया, तो ये भी फिर सीधा चला गया, फोर्स लगनी बंद हो गई। तो रूल क्लियर है यहां तक? तो इस पोर्शन को देख रहे हो, ये जो पोर्शन है, ठीक है, ये जो पोर्शन है इसका सेंटर कहीं यहां मिलेगा आपको, इसका सेंटर यहां मिलेगा, और ये सर्कल का सेंटर है कुछ ऐसे, ठीक है। तो ये सेक्टर बन गया, बनाओ डायग्राम। ठीक है, तो जब तक मैग्नेटिक फील्ड था तब तक सर्कल है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, सर्कल खत्म, उसके बाद सीधा टेंजेंशियली चला जाएगा। आपको क्वेश्चन में यह पूछा जाएगा कि बताओ ये कितने एंगल से यहां से बाहर निकल गया, तो आपको बताना होगा ये एंगल थीटा क्या है, ये बताना होगा, ठीक है यहां तक? तो आपको वो थीटा एंगल निकालना है, आपको थीटा एंगल निकालना है, ये क्वेश्चन है। और ये जब तक मैग्नेटिक फील्ड में था तब तक कितने रेडियस में घूम रहे हैं? इन अ रेडियस ऑफ आर, तो आर और आर बना ले, याद है, क्लियर है? अब इसकी ज्योमेट्री समझ लें। इसकी ज्योमेट्री ऐसी है कि सपोज आप इसे ज्वाइन कर लें और आपको ये गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है इसकी विड्थ कितनी है, डी आपको गिवन होगा, आपको इसकी विड्थ गिवन होगी कि डी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, सही है? अब ज्योमेट्री देखें, आप बस मुझे ये बताओ अगर ये थीटा है तो ये एंगल कितने हैं? ये दोनों 90 डिग्री पे हैं, 90 माइनस थीटा, सही है? ठीक है, अगर मान लो ये 90 माइनस थीटा है तो बोलो ये एंगल किस पे है, क्योंकि रेडियस और वेलोसिटी हमेशा 90 डिग्री पे होते हैं, तो ये एंगल क्या बनेगा? थीटा। अगर ये और ये 90 पे है और अगर ये थीटा, तो ये क्या बनेगा? 90 माइनस थीटा। और इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये 90 माइनस थीटा है, ये थीटा है, तो ये क्या बनेगा? थीटा। अब शॉर्टकट सुनो, ये 90 माइनस थीटा की कहानी थोड़ा करोगे ऑब्जेक्टिव के अंदर, ये तो आपको समझा रहा हूं मैं। शॉर्टकट ये है, ये एंगल और सेंटर का एंगल हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा, याद रखना है कि कितनी वेलोसिटी से एक चार्ज पार्टिकल बाहर निकलता है, ये जो एंगल आएगा और जो सीधा सेंटर में एंगल बनेगा वो सेम बनेगा। तो अगर मैं ये थीटा निकालना चाहता हूं तो यहां की बजाय मैं थीटा इस ट्राइंगल से निकालता हूं, ठीक। तो इस ट्राइंगल में वेट करो एक मिनट प्लीज, मैं रिपीट कर रहा हूं, वी वेलोसिटी से इस सर्कल में आया तो ये वी, ठीक है, तो ये वी वेलोसिटी, ये वी वेलोसिटी, तो
तो ये थीटा तो 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा 90 माइनस थीटा, ये थीटा, तो अगर मैं ये थीटा निकालना चाहता हूँ तो मैं ये थीटा निकाल देता हूँ, आंसर आएगा। तो इस ट्राइंगल में साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी? डी डिवाइडेड बाय आर, क्योंकि ये आर कंप्लीट आ रहा है, ये आर, तो डी डिवाइडेड बाय आर, लेकिन आर की वैल्यू क्या होती है? एम वी बाय बी क्यू, ये लो। तो आप क्या करेंगे, साइन थीटा विल बी इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय एम वी डिवाइडेड बाय पी क्यू। तो आपको क्वेश्चन में डी पता होगा, एम पता होगा, वी पता होगा, सब कुछ पता होगा, पुट करके थीटा आ जाएगा, थीटा आ गया तो बाहर निकले का एंगल भी आ जाएगा। तो क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? कोई डाउट इसमें? तो न्यूमेरिकल में आएगा कि बाहर निकलने का एंगल क्या होगा, तो बाहर निकलने का एंगल क्या होगा, यहां से एंगल आया वही एंगल यहां पे आ जाएगा। अब इसके अंदर देखने वाली बात एक और है, ये नोट कर लिया सबने, ये देख रहे हो डिस्टेंस कितना है डी। कितने लोगों को ये समझ में आ रहा है कि जो डी है, डी वो लेस देन आर है, एक स्मॉल आर है, जो डी की वैल्यू है इसमें, जो डी है वो लेस देन स्मॉल आर है। वैसे तो ज्योमेट्री समझ में आ रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल है या हाइपोटेन्यूज है, ये डी है तो आर तो बड़ा ही होगा, डी छोटा होगा, पर इसका वैसे मतलब क्या है कि डी की वैल्यू इसमें स्मॉल है, इसको ऐसे समझते हैं। ये मान लो आपके पास रीजन क्या था, डी रीजन था, ये जो डिस्टेंस है वो कितना था, वो डी था, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। अब ये देखो, जब ये पार्टिकल यहां पे एंटर करता था, ठीक है, जब ये पार्टिकल यहां पे एंटर कर रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ वी वेक्टर, तो इसके अंदर ये पार्टिकल ऐसे ऐसे गया, और इसका जो रेडियस है वो कैसे बना, वो ऐसे बन गया। अब ये देखो कि अगर मैं ऐसे इमेजिन करता कि मान लो ये डिस्टेंस डी नहीं है, ये डिस्टेंस भी स्मॉल आर है, स्मॉल आर है, तो होता क्या, ये पार्टिकल इसमें एंटर करता, ये पार्टिकल कैसे चलता, ऐसे चलता, इसको टच करता हुआ ये वापस ऐसे आ जाता। क्यों आ जाता? क्योंकि इसको पूरी स्पेसिंग मिल जाती, कितनी, डी इज इक्वल टू स्मॉल आर, है ना। तो सेंटर यहां पे है, ये सेंटर था, तो इस सेंटर जितना डिस्टेंस मिल जाता तो ये बिल्कुल बाउंड्री को टच करता हुआ घूम जाता, इसको स्पेस मिल जाती घूमने की, इसको स्पेस मिलती। और अगर सपोज करो तीसरा केस है कि अगर डी बहुत ही बड़ा है, ये लो बहुत ही बड़ा है, और डी की वैल्यू बहुत बड़ी है और आर तो छोटा है, अब अगर कोई पार्टिकल इसमें एंट्री करेगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा, स्पेस ही स्पेस है, डी है ही बहुत बड़ा, अगर डी बड़ा है आर से तो स्पेस बहुत है ना, तो आर देखो छोटा है और डी इसमें बड़ा है, डी बड़ा है, तो अगर डी बड़ा है आर से, तो अगर डी की वैल्यू बड़ी आर से, फिर तो कोई टेंशन नहीं है, स्पेस ही स्पेस है घूमने की, और अगर डी छोटा है आर में तो सेक्टर बना के जाएगा, और डी आर के इक्वल है फिर बाउंड्री को टच करता हुआ सेमी सर्कल बना देगा। तो आइडिया क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें?